ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी माता रानी कैसी लगी। दो पराठे, चाय और सब्जी मुझे तो बहुत पसंद है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो गाइज, यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत करना शुरू करती हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और देख सकते हैं चाय वाय पी लिए हमने और बच्चे तो स्कूल चले गए, उनके लिए नाश्ता सुबह ही बन के वो भी लेके गए थे टिफिन वगैरह। आज तो उनका फुल डे है, एग्जाम कल खत्म हो चुके हैं। तो अभी घर का फाइनली काफ़ी काम बचा हुआ है। आज सुबह ये कवर भी चेंज करने हैं और घर में देख सकते हैं बेडशीट वगैरह यहाँ चेंज हो चुकी है और अभी ऐसा ही सब जगह ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये देख सकते हैं इस वाले रूम की भी बेडशीट वगैरह सब चेंज हो गई है। तो चलिए लगते हैं झाड़ू पोछा में, बाकी के काम में। दोस्तों फाइनली घर का सफाई वाला काम तो फिनिश हो चुका है। अब नहाना धोना करते हैं, उसके बाद पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट में आज क्या बनने वाला है वो आपको ब्लॉग में रहने पर ही पता चलेगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, करते रहिए कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो दोस्तों नहा धो के मैं भी रेडी हो गई हूँ, अब फटाफट से पूजा करके आती हूँ, उसके बाद फिर यहीं किचन में आपको मिलती हूँ। तो चलिए पूजा घर में चलते हैं। दोस्तों पूजा घर में पूजा भी हो चुकी है, चलिए नीचे चलते हैं, अब ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। और बाहर की तरफ देखो कितनी अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई है। आजकल तो अभी बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। कपड़े भी मैंने सुबह ही धो दिए थे। फाइनली सारा काम हो चुका है, बस रह गया है जो ब्रेकफास्ट, सबसे बड़ा काम। तो चलिए नीचे चलती हूँ और चाय की खुशबू आ रही है, लगता है गोसाई जी ने चाय बना के रख ली है। ऐसा ही मुझे लग रहा है। चाय बना दी क्या? तो अच्छा, तो चाय सब रेडी हो चुकी, खाली इसमें दूध डालना है, दूध डालना बाकी है, तो कोई भी दूध तो डल जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बना लेती हूँ पराठा, और एक गुसाई जी के लिए एक पराठा हो गया है तैयार। और देख रहे होंगे किचन में कितना धुआं धुआं हो जा रहा है, जबकि चिमनी ऑन कर रखी है, बट उसके बाद भी इतना धुआं धुआं हो जाता है पराठे वगैरह बनाने से, ऑयली चीज़ बनाने से। तो फटाफट से पराठे बना लेती हूँ। और आज तो अभी भूख भी बहुत लग रही है, क्योंकि जब जिस दिन पराठे या कुछ स्पेशल बनता है ना, उस दिन नेचुरली भूख लगने शुरू हो जाती है। अगर सब्जी रोटी बनती तो भूख उसी टाइम पे लगती, 10-11 बजे टाइम पे हम लोग नाश्ता करते हैं, नहीं तो आज तो थोड़ा जल्दी हो रहा है इसी चक्कर में, पराठों के चक्कर में। तो चलिए अब चाय भी तैयार हो गई है, पराठा भी और रेडी हो गया है, तो लेके आती हूँ टेबल तक। सर्दियों में पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है, क्यों? तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट, दो पराठे आलू के, थोड़ी सी मिक्स वेज और चाय और आंवले का अचार। इसको लूँगी नहीं लूँगी, टेस्ट के लिए थोड़ा सा ले लूँगी।
पराठे के साथ अचारा बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट करना। फाइनली ब्रेकफास्ट भी हो गई है दोस्तों, और ना आजकल मैं थोड़ा सा भी ब्रेकफास्ट कुछ भी खा रही हूँ ना तो पेट ऐसा हो जा रहा है, बिल्कुल टम्मी ने ऐसे हो जा रही है यहाँ, और फिर मन कर रहा है कि वॉकिंग करें, और फिर कुछ खाने को भी मन कर रहा है, क्या करें। सर्दियों का टाइम ही ऐसा होता है, लगता है कि कितना कुछ खा ले। गर्मियों में तो खाने का मन ही नहीं करता, बस ऐसा लगता है जूस पीते रहे, पानी पीते रहे। आजकल खाने का मन भी कर रहा है, बट थोड़ा सा खाने से ही पेट ऐसा फूल जा रहा है ना गुब्बारे जैसा। तो चलिए चलते हैं। ये तो था हमारा ब्रेकफास्ट वाला टाइम का सीज़न जो चल रहा है, और चलते हैं, सीज़न ही बोलना पड़ेगा और क्या। आजकल खाने में खूब मज़ा आता है सर्दियों में। तो अब चलते हैं दुकान में, और इसी के साथ आज के ब्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। तो ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं लगते हैं तो बताइएगा क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, उसका भी कारण ढूंढेंगे और कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ही।